हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सिक्स्थ सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वह अपना पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड यूनिट की और इसको भी हम जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। तो जो यूनिट सेकंड है उसमें भी हम नीति विश्लेषण क्या है और वैकल्पिक नीति की विशिष्टता या फिर विशेषता कह सकते हो आप, विशेषता, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो नीति है उसकी हम क्या पढ़ेंगे, प्रक्रिया पढ़ेंगे। नीति विश्लेषण जो होती है उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। बाकी इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यूनिट फर्स्ट में नीति विश्लेषण के बारे में या लोक नीति के बारे में उसके बारे में पढ़ा था, तो इसमें सेकंड यूनिट भी उससे मिलती जुलती है लेकिन उसके आगे का कॉन्सेप्ट है तो वह हम देखते हैं। सबसे पहले बोला गया नीति विश्लेषण क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो इसको हम बस ओरली मैं आपको बता देता हूँ कि नीति विश्लेषण जो होता है कोई भी नीति जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, उसको तो हम लोक नीति कहते हैं। यदि उसको बनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाए कि ये नीति जो है वो क्यों बनाई जा रही है, इससे क्या लाभ हो सकता है, ठीक है, क्या हमें इस नीति की ज़रूरत है, तो इस प्रकार की जब जो आंकड़े निकाले जाते हैं और उनका मूल्यांकन या जांच पड़ताल की जाती है तो उसको हम बोलते हैं नीति विश्लेषण। फिर इसके बाद बात करते हैं वैकल्पिक नीति की विशिष्टता या फिर दूसरी नीति जो है उसकी विशिष्टता क्या है, स्पेशलिटी क्या है। दूसरी बात इसको हम जान सकते हैं कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया बताओ, ठीक है, वैकल्पिक नीति की विशिष्टता, या फिर दूसरा क्वेश्चन उससे बन सकता है कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाओ, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए, तो सबसे पहले आपको ना वो लिखना है जो मैंने आपको फर्स्ट मिनट में बताया था, उसमें से आप थोड़ा थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हो, देन उसके बाद आपको नीति विश्लेषण की प्रक्रिया बतानी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं, तो आपको बस एक बार रीड करना है, तो देखते हैं और समझते हैं। एडवर्ड क्वैड ने, जो एक व्यक्ति है एडवर्ड क्वैड ने नीति विश्लेषण प्रक्रिया के पांच तत्वों और निम्नलिखित चरणों की पहचान की, ठीक है, उन्होंने पांच जो है वो चरण बताए, स्टेप्स बताए और नीति विश्लेषण की प्रक्रिया इसी तौर से चलती है। सबसे पहले क्या किया जाता है वो देखते हैं हम, समस्या और उद्देश्यों की पहचान, ठीक है। दूसरा, नीति विकल्प निर्दिष्ट करना। फिर उसके बाद आता है थर्ड, नीति विकल्पों का मूल्यांकन करना। फिर फोर्थ आता है अपना नीतिगत कार्रवाई की सिफारिश करना, ठीक है। फोर्थ क्या अपना नीति विकल्पों की, वो नीति जो अपनी है उसकी कार्रवाई की सिफारिश करना। फिफ्थ आता है निगरानी नीति के परिणाम मतलब रिजल्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ऐसी पांच जो है पॉइंट उन सबको डिस्क्राइब करेंगे, फिर अपने जो चरण है या फिर प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं, पहला समस्या और उद्देश्यों की पहचान। देखो, कभी भी नीति विश्लेषण किया जाता है या नीति कोई भी बनाई जाती है तो सबसे पहले हमें समस्या देखते हैं, दूसरे और उसका उद्देश्य की पहचान करते हैं। तो देखो, इसको पहले हम थ्योरी के थ्रू समझेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है या स्टेप है, क्योंकि कई बार समस्या के विश्लेषण या जांच पड़ताल के उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं होते और कुछ मामलों में उद्देश्य आपस में एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। नीति विश्लेषण के लिए हल की जाने वाली समस्याओं की पहचान करने में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। समस्या की पहचान करने के बाद अगला कदम, ठीक है, ये तय करना होता है कि इसका सामना करते समय किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले हमें ये भी ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये समस्या जो इस समस्या है उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के किसी भी समस्या का समाधान करना असंभव सा लगता है। तो देखो, इसको मैं एक बार आपको जो नॉर्मल वर्ड्स है उसमें बता देता हूँ। समस्या और उद्देश्य की पहचान, कोई भी नीति अगर हम बनाते हैं तो उसका विश्लेषण किया जाता है उससे पहले, ठीक है। जब वो नीति लागू हो जाती है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमने ये नीति क्यों बनाई है, ठीक है, ऐसी क्या समस्या आ गई थी जिसकी वजह से हमें ये नीति बनानी पड़ रही है। दूसरी बात, हम सबसे पहले उसकी क्या पता लगाते हैं, समस्या, कि ऐसी कौन सी समस्या थी। सपोज कर लो कि सरकार ने क्या करा, गरीबी को ख़त्म करने के लिए कोई नीति बनाई, ठीक है, तो समस्या क्या है अपनी, गरीबी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि गरीबी जो है वो एक समस्या तो है लेकिन हमने उसको समाप्त करने के लिए क्या बना दी, नीति बना दी कि गरीबी हटाओ। दूसरी बात, उद्देश्य की पहचान करना, जो समस्या है वो कैसे आई है, ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें
गरीबी आ, मतलब हमारे में क्या आ रही है, गरीबी आ रही है, ठीक है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, गरीबी या फिर गरीबी स्थिति में पल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के जब तक हम खुद नहीं जान पाएंगे कि भाई ये गरीबी जो है वो इस वजह से आ रही है, हम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे हम गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। जितनी हमारी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा हम लुटा देते हैं, तो ये गरीबी का कारण है। तो अगर हम ये जान लेंगे ना, तो हमारी जो समस्या है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले ना नीति विश्लेषण जो है उसका करते समय समस्या की पहचान की जाती है कि इस मकसद से क्या बनाई जा रही है, या इस समस्या को दूर करने के लिए कोई नीति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा या किसी संस्थाओं के द्वारा। फिर उस उद्देश्य को अगर हम जान लेते हैं तभी वो समस्या दूर हो सकेगी और नीति सही से काम कर सकेगी। तो यही है, अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें उद्देश्य जानना पड़ेगा। अगर उद्देश्य हमें नहीं पता होगा तो समस्या का समाधान करना बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नीति विकल्प निर्दिष्ट करना। समस्या का समाधान करने के बाद अगर हमें प्रॉब्लम पता लग गई, उसका सॉल्यूशन भी पता लग गया, उसके बाद क्या होता है देखो, ठीक है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा आगे। समस्या सबसे पहले आई तो हमने उसको दूर किया क्योंकि हमें उद्देश्य पता लग गया, क्योंकि बिना उद्देश्य के कभी भी समस्या का समाधान करना इम्पॉसिबल है। नीति विकल्प विशिष्ट करना, समस्या का समाधान अगर हो जाता है तो उसके बाद विश्लेषण करने के बाद, ठीक है, समस्या का समाधान करने और विश्लेषण करने के बाद विकल्पों का निर्दिष्टीकरण करना जरूरी होता है। इसके अंदर नीति का निर्माण करने वाले, नीति के निर्माता जो होते हैं, जो नीति का निर्माण करते हैं वो नीति के निर्माता कहलाते हैं, उनके पास नीति बनाते समय बहुत सारे क्या होते हैं, विकल्प होते हैं कि गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए हमारे बहुत सारे चॉइस है, हम बहुत सारी नीतियाँ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें तो एक ही बनानी है ना, क्योंकि अलग अलग नीति बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न फैल सकती है कि गरीबी को इस प्रकार से भी दूर कर सकते हैं, इस प्रकार से भी दूर कर सकते हैं, तो ये है। तो बहुत सारी हमारे पे चॉइस होती है, तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। जो भी नीति के निर्माता होते हैं उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, विकल्प होते हैं नीति बनाते समय, वो कई प्रकार की नीति लागू कर सकते हैं। तो उनके पास, उनको क्या करनी है, बस एक नीति लागू करनी है, एक नीति बनानी है, उसी को लागू करना है। लेकिन चॉइस उनके पास बहुत सारी है, और उन विकल्पों में से सबसे पसंदीदा और सबसे बढ़िया विकल्प को चुनना जिससे नीति बनाई जा सके, ठीक है। वो एक ही चॉइस को सुनेंगे और उसके बाद उसी पे काम करेंगे और नीति बनाएंगे। सीमित संख्या में विकल्पों पर निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। देखो, मान के चलो एक समस्या है गरीबी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हमने क्या बनाई, नीति बनाई। सबसे पहले हमें समस्या का पता लग गया कि गरीबी इस वजह से आ रही है, तो हमें उसे दूर करना है, उसके लिए नीति बना दी। दूसरी बात, नीति विकल्प, हमारे पे गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे क्या नीतियाँ है, ठीक है, या फिर गरीबी के लिए हमारे पे एक नीति है गरीबी को कैसे हटाया जाए। दूसरी बात क्या होगा, हमारे पे बहुत सारी चॉइस है तो हम उसमें से एक चुनेंगे, लेकिन एक चुनने का रीज़न ये होना चाहिए कि हमने सभी नीतियों की क्या की है, जाँच पड़ताल की है, नीति विश्लेषण सब पे किया है, लेकिन हमें क्या लगा, एक बढ़िया लगा तो हमने उसको चुन लिया। तो सभी, पहले क्या करना है, सभी विकल्पों पर विचार करना है, उसके बाद ही हमें एक विकल्प चुनना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने क्या करा, नाम बढ़िया लग रहा है, हम उसी को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं, ठीक है, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, सभी विकल्प, जितने भी विकल्प हमें मिले हैं वो गरीबी को दूर करने के, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन पर विचार करेंगे, फिर विश्लेषण करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, उनमें से जो बढ़िया लगेगा हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको बना के लागू कर देंगे। तीसरा आता है नीति विकल्पों का मूल्यांकन। एक बार जब नीति की समस्या का विश्लेषण या फिर जाँच पड़ताल कर ली जाती है तो उसका उद्देश्य भी निर्धारित कर लिया जाता है और नीति विकल्पों के विकल्प निर्धारित कर लिया जाते हैं। जो हमने ऊपर पढ़े ना दो पॉइंट, वही सब है। समस्या मिली, उसका विश्लेषण कर लिया, फिर उसके बाद विकल्प जो जितने भी थे उनमें से एक विकल्प को हमने चुन लिया। तो प्रत्येक विकल्पों के परिणाम की भविष्यवाणी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हर एक जो विकल्प थे हमारे पास उनमें से हमने एक तो चुना, लेकिन सभी का जो रिजल्ट है ना फ्यूचर में वो कैसा रहेगा वो भी देखना जरूरी होता है। इस प्रकार नीति विकल्पों का मूल्यांकन नीति विश्लेषण के क्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीति विकल्पों का मूल्यांकन करने में जब तक सभी नीतियों के वैकल्पिक विकल्पों के गुणों की जांच नहीं कर ली जाती या तुलना नहीं कर ली जाती, तब तक उचित वैकल्पिक नीति का मूल्यांकन होना बहुत ज़्यादा कठिन है। सबसे पहले सभी जो विकल्प हैं उनकी हमें क्या करनी है, आपस में जांच पड़ताल करनी है गुणों की, कि इसमें इस प्रकार का गुण है, ठीक है, जनता को इस प्रकार फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, हमें क्या करना, उचित विकल्प को चुनना है तो उसका मूल्यांकन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबके बीच में कंपैरिजन करेंगे। फिर देखो इसके ना बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला ए लागत लाभ विश्लेषण तकनीक, जिस प्रकार की नीति बनाई जा रही है उसको लागू करने से पहले, लागू करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ प्राप्त होगा तथा किस प्रकार की नीति को अपनाया जाएगा। ठीक है, जो भी नीति बनाई जाए उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, लोगों के मन में ये रहता है, और किस प्रकार की तकनीक को अपनाया जाएगा, उस नीति को लागू करने में लागत कितनी आएगी, कितना पैसा खर्च होगा, इस प्रकार का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। बी प्रदर्शन मापन तकनीक, जिस नीति को लागू कर दिया जाएगा तो वह देश में समाज में तथा क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदर्शन या परफॉर्मेंस जो है वो कर रही है, इस नीति का वो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस नीति का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद प्रभाव आकलन तकनीक, नीति प्रक्रिया के अंदर जब नीति को लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि जो नीति है इसमें उन समस्याओं के ऊपर कैसे प्रभाव डाला है, जो समस्या क्या थी पहले मौजूद थी और जिसके लिए हमने वो नीति बनाई है। ठीक है, जिसके लिए ये नीति बनाई गई थी उसने उन समस्याओं पर कैसे प्रभाव डाला और उनको कैसे दूर किया, ये भी पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें समय की तुलना भी की जाती थी। ठीक है, मतलब कि नीति बनाने से पहले की स्थिति कैसी थी और वह समस्या कैसी थी और नीति बनाने के बाद समस्या बड़ी है या घटी है। ठीक है, अगर नीति बनाई है गरीबी को दूर करने के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नीति बनने से पहले कितनी गरीबी थी और नीति बनने के बाद गरीबी बढ़ी है या घटी है। अगर बढ़ी है तो हमें नीति को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसके अलावा हमें दूसरी नीति बनानी चाहिए, क्योंकि ये नीति क्या हो जाएगी फेल, क्योंकि इससे गरीबी घट नहीं रही, बढ़ रही है। ठीक है, अगर गरीबी कम हो रही है तो ये नीति अपनी सही है, इस प्रकार का आकलन किया जाता है। अब लास्ट आ जाता है अपना डी प्रायोगिक तकनीक, इसमें क्या होता है प्रायोगिक तकनीक है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो भी नीति बनाई गई है उसको जनता के प्रति कैसे व्यवहार है, मतलब ये नीति जनता के लिए कैसे कार्य कर रही है, क्या जनता इस नीति को पसंद करती है या नहीं करती। ठीक है, जनता को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या जनता बस सरकार के दबाव में आके इस नीति का पालन कर रही है, जनता को इस नीति से कोई लाभ होता है या नहीं, इस प्रकार का आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है अपना नीतिगत कार्रवाई की सिफारिश करना, नीति के विश्लेषण हो जाने के बाद नीति की कार्यवाही की सिफारिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्शन जो होता है उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ आता है अपना निगरानी नीति के परिणाम, जो भी नीति है उसके रिजल्ट, नीति लागू होने के बाद कुछ संदेह भी हो सकता है, कुछ शक भी हो सकता है, क्या समस्या का उचित जो उचित है उसमें किया गया था। ठीक है, क्या समस्या का उचित समाधान जो था वो किया गया था या फिर उसके बाद बोला गया है, और यहाँ तक कि चयनित मतलब जो चुनी हुई नीति है उसको ठीक से लागू किया गया जा रहा है या फिर नहीं, इन चिंताओं के लिए ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि कार्यान्वयन या लागू करने के चरण के दौरान, जब भी उस नीति को लागू करते हैं उसके दौरान नीतियाँ और जो कार्यक्रम है उनको बनाए रखा जाए और उनकी निगरानी की जाए। ठीक है, उन पर नज़र रखी जानी चाहिए कि इस प्रकार की नीति से कोई फ़ायदा होगा आगे या नहीं होगा। ठीक है, जब उस नीति को लागू किया जाता है तो इस प्रकार के जो चरण है उनको पार करके ही नीति का विश्लेषण करके ही नीति को बनाया जाता है, उसके बाद उसको लागू कर दिया जाता है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।